नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेत्र गुलेरिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोबल विपसना पगोड़ा मंदिर। यह मंदिर भगवान बुद्ध का मंदिर है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यह मंदिर मुंबई में गुराई बीच पर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर भारत के सबसे सुंदर और भव्य मंदिरों में से एक है। यह बाहर से बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय दिखता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बगैर खंबे का गुंबद है। यहाँ पर एक साथ 8,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन केंद्र हॉल है। यह मंदिर भगवान बुद्ध के अनुयायियों के दान राशि से बनाया गया है। यहाँ ग्लोबल पगोड़ा मंदिर में मुख्यतः विपसना मेडिटेशन कराया जाता है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया जाता है। यहाँ 10 दिवसीय विपसना मेडिटेशन निशुल्क करवाया जाता है। यहाँ पर वयस्कों, किशोरों और बच्चों, माता पिता और अध्यापकों के लिए अलग अलग 10 दिनों का विपसना ध्यान कोर्स बनाया गया है। पूरी तरह से स्वैच्छिक दान के माध्यम से निर्मित ग्लोबल विपसना पगोड़ा का उद्देश्य है विपसना के बारे में जानकारी साझा करना, गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी फैलाना, विपसना बुद्ध की सार्वभौमिक गैर संप्रदाय संबंधी शिक्षाओं का प्रचार करना। 294 फुट ऊंचा यह पगोड़ा विश्व का सबसे ऊंचा पगोड़ा है। पूरा पगोड़ा सोने के रंग से रंगा गया है। पगोड़ा शब्द का प्रयोग भारत, श्रीलंका, भूटान, चीन और जापान में भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेषों पर निर्मित स्तंभाकृति मंदिरों के लिए किया जाता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा संगमरमर के पत्थर से तराशी गई है, जो कि 21 फुट ऊंची, 13 फुट चौड़ी है। पगोड़ा गुंबद के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। पगोड़ा के उत्तर और दक्षिण में 2 छोटे पगोड़ा बने हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ से चक्र भी लिया गया है, जो कि समय चक्र को दर्शाता है। गुंबद की नींव में बेसाल्ट पत्थर है, जबकि गुंबद राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हो। ग्लोबल पगोड़ा मंदिर का निर्माण 2009 में हुआ था। इसका निर्माण 2000 में शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किया था। इस मंदिर के निर्माण में 8 से 9 वर्षों का समय लगा है। इस मंदिर को प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक के संयोजन से बनाया गया था, ताकि इसे 1,000 साल तक चलाया जा सके। पगोड़ा मंदिर के अंदर एक आर्ट गैलरी भी बनी हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध और उनके बारे में संबंधित चीजें रखी गई है। हालांकि यहां पर कैमरा या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप शूट कर ही लिया। यहाँ पर एक पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष भी है। यहाँ पर प्रशासनिक भवन और अंडरग्राउंड पार्किंग की भी व्यवस्था है।
पर दीवारों पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और देशनाओं को अंकित किया गया है। पगोड़ा मंदिर के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। यहाँ पर घूमने का किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, यह पगोड़ा मंदिर कला का एक शानदार नमूना है। इस मंदिर और यहाँ आसपास के माहौल को देखने के बाद मेरे मन में एक ही शब्द आ रहा है, अद्भुत। आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। मैं इस मंदिर को भारत के आधुनिक टॉप 5 मंदिरों में रखना चाहूँगा। यहाँ पर लोग सिर्फ ध्यान और शांति के लिए ही नहीं आते, बल्कि परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर एक कंटीन भी है जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं, और एक गार्डन भी है जहाँ पर बच्चों के खेलने की व्यवस्था की गई है। यहाँ आसपास का गार्डन भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ हर रोज देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। पगोड़ा मंदिर के साथ ही वाटर किंगडम एसल वर्ल्ड भी है। आप फैमिली के साथ वहाँ जाने का आनंद भी उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां तक किस तरह पहुंच सकते हैं। यहां तक आने के लिए आपको बोरीवली वेस्ट जाना होगा। वहां से आप ऑटो या टैक्सी लेकर आपको गोराई बीच पर उतरना है। उसके बाद आपको वहां से बोट मिलेगी, उसके बाद फिर से आपको ऑटो मिलेगा और आप पगोड़ा मंदिर पहुंच जाएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगली बार आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। नमस्कार, नमस्कार।